हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग मैं कपिल द्विवेदी आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर एक बार फिर से विजन पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं देखिए पिछला सेशन हम लोगों ने काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखी थी क्या कि मैग्नेटिक फोर्स कैसे किसी भी चार्ज मूविंग चार्ज पार्टिकल पर एग्जर्ट करता है जब कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा होता है Now, अब अगर वही चार्ज पार्टिकल किसी कंडक्टर के अंदर हो तो आप सोचोगे है चार्ज पार्टिकल हो भी कंडक्टर के अंदर यस इलेक्ट्रॉन अब अगर मैं कहूं कोई करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग अब सोचना करंट कैरिंग कंडक्टर में बार बार क्यों एक चीज को फोर्स कर रहा हूं ये बात बहुत ध्यान से सुनना कि, कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेट देखिएगा टॉपिक हमारा सेशन स्टार्ट होता है क्या बेटी मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड मतलब यहां जो सबसे पॉइंट फोकस करनी है वो ये व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स हमने मैग्नेटिक yeah. फोर्स चार्ज पर देखा हमने मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया कि हाउ मच मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और अब हम वही मैग्नेटिक फोर्स देखने जा रहे हैं मेरा बच्चा किसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि करंट कैरिंग कंडक्टर अब जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब एक ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर क्या कैरी कर रहा हो करंट कैरी कर रहा हो और उसको उठा के रख दिया जाए किसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर ऐसी सिचुएशन में ऐसी कंडीशन में रखा जाए तो मेरे बच्चे कैसे हम फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे कैसे फोर्स को फाइंड आउट करेंगे कैसे एक्सप्रेस करेंगे आइए डिस्कस करते हैं इस पर देखेगा मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूं ध्यान से देखेगा लेट सी मेरे पास ऐसे सपोज कर लो कि ये जो मेरा मार्कर है ये मेरी जो पेन है इससे अपन समझ लेते हैं क्या कि कंडक्टिंग रॉड है क्या है कंडक्टिंग रॉड उसको मैं बना देता हूं चलो देख लो बेटा क्या सिंपल बहुत इजी ये रॉड डियर ये रॉड हो गया अब बेटे मैंने आपसे कहा या एक इलेक्ट्रो अब रॉड है कंडक्टर है इसकी लेंथ सपोज कर ले कितना है एल अब यू नो वेरी वेल कि कंडक्टिंग रॉड है तो ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन अपन सारा रिसर्च पहले एक इलेक्ट्रॉन पर करते हैं किस पर करते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर राइट इलेक्ट्रॉन अब अगर मैं आपसे कह दूं कि ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से

मान लिया x एकस एक्सेस चला जा बेटा सी भैया बेटा अब मैम कह दू जो मैग, इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट कर रहा था उसका डायरेक्शन कैसा था अपवर्ड अब आपको पता है होना भी चाहिए अगर मैं इसे y एक्सेस कह दू और इसे z एक्सेस कह दू तो आप बताओ मेरा बच्चा समझिएगा ध्यान से ट सी आपको यहीं पे मैं आपको एक पहले रूल सिखा दूं चाहे हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की ही बात कर लें उसी से सिखा दे पाम रूल से भी सिखाया जा सकता है बट फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को सीखोगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा एक्चुअली ये जो डायरेक्शन इधर को मैंने दिया वो ऐसे है रियल कंडीशन में अगर मैं थ्री की बात करूं तो वो ऐसे है मतलब इस प्लेन सरफेस के कैसा है आउटवर्ड नॉर्मल इसे कहते हैं आउटवर्ड नॉर्मल क्या बोलेंगे आउटवर्ड नॉर्मल ओके फाइन तो जो फ्लेविंग का लेफ्ट हैंड रूल है ये लेफ्ट हैंड रूल कहता क्या पहले बात वो ध्यान से सुनना लेफ्ट हैंड रूल में अगर हम थ्री फिंगर्स को ये सब चीजें बहुत आ, कह सकते हो 9th बेसिक में ही आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा लेकिन मैं आपको जो भी बात समझा रहा हूं उसको अप्लाई करना सिखा रहा हूं बेसिकली यहां पे तो दिस इज क्या फादर मदर चिल्ड्रेन एक लाइन में समझे बेटे शुद्ध father हाँ, क्या करता है बेटे फोर्स लगाता है और सारा अट्रैक्शन किसकी हो किसकी होती है बेटे मम्मी से मदर और धारो धार बहता कौन है बच्चा मतलब एफ एम सी का मतलब समझना फादर मदर चिल्ड्रन का मतलब समझना फादर माने फोर्स मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड child, चिल्ड्रन मतलब करंट सी फॉर चाइल्ड एम फॉर मदर एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड एफ फॉर फोर्स एंड एफ फॉर फादर यानी ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हम अपने थ्री फिंगर्स को लेफ्ट हैंड के थ्री फिंगर्स को फोर थम फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर इनको इस तरीके से स्प्रेड आउट करें कि ये सारे एक तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो थंब ऑलवेज रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स फोर फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट डायरेक्शन ऑफ करेंट तो मेरे कहने का सिंपल सा फंडा हुआ कि अगर मैं इसको इस पर अप्लाई करूं देखो ध्यान से ध्यान से सीखना कि दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट आप बताओ ये जो चार्ज पार्टिकल होगा, इस इसमें फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा आउटवर्ड तो इसी को मैंने इधर बताया यानी दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इट क्लियर वेरी गुड कमेंट करते रहिए सभी लोग फटाफट अगर कोई डाउट होता रहे तो बिल्कुल मुझसे पूछिए, बेझिझक और कमेंट करते रहिएगा मुझे बताइएगा चलिए ठीक है ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया ये करंट का डायरेक्शन हो गया और ये मैग्नेट फील्ड का डायरेक्शन हो गया अच्छा क्या इसी के अलॉन्ग एल भी है यस अगर वेक्टर टर्म्स से मिले तो इसी के लॉन्ग लेंथ भी कंसीडर है कोई दिक्कत नहीं बहुत इजी है सर बहुत इजी है ध्यान से सीखना आ जाओ मान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है लेट सी कि दिस इलेक्ट्रॉन मान लिया इसके चार्ज कितनी है क्यू इलेक्ट्रॉन है क्यू ही ले लो हाँ आप इसे सिर्फ ही लिख सकते हो Yes, क्यों नहीं लिख सकते हो डेंट मैटर क्यू ई आपकी जो इच्छा वो लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता बात ए पॉइंट की समझना क्या मेरा बच्चा अगर मैं आपसे कहूं कि मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं और वो भी इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा था व्हाट यू से आपको कि सर हम आपने तो मुझे पहले पढ़ाया था कि एक ऐसा कोई रिलेशन होता है एफ इज इक्वल टू क्यू वीवीटा होता है क्या हाँ बताया था बिल्कुल बताया था तो वो फोर्स यहां पर अगर मैं लगाऊं मान लिया स्मॉल एफ लेट्स सी डायरेक्शन के साथ लू तो आप क्या लिखोगे अब सी बेटे इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है माइनस सी वी डी क्रॉस बी डियर क्रॉस प्रोडक्ट होगा बहुत ध्यान से सीखना क्रॉस प्रोडक्ट छोड़िए एफ की वैल्यू इतनी आ गई समझना ये मुझे एक फोर्स सिंगल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन मिल गया और मुझे अब पता क्या करना है मुझे पता करना है कि अब ऐसे सोच मेरा बच्चा कि अगर इसके अंदर सौ इलेक्ट्रॉन हजार इलेक्ट्रॉन पांच हजार इलेक्ट्रॉन दस लाख इलेक्ट्रॉन हो वटेवर और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स फोर्स फील करेंगे तो क्या ये खुद कंडक्टर भी वो फोर्स को फील करेगा यस यस अगर इसके अंदर प्रेजेंट सारे इलेक्ट्रॉन उस फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं मेरे बच्चे तो ये कंडक्टिंग रॉड भी उस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा ये एकदम फैक्ट है मेरे बेटा तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे पूरे अब सपोज कर लो बेटा कि इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी है ए है इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी है ए है और अगर मैं इस इसके अंदर प्रेजेंट टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो क्या होगा कैसे निकालेंगे तो आप कहोगे बहुत ध्यान से सुनना कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बड़ा सिंपल बहुत ही आसान क्या बेटा एफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सी बेटे N to, क्या हो जाएगा स्मॉल एन इन टूर इसी कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब स्मॉल एन निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर पर यूनिट यूनिट वॉल्यूम वॉल्यूम दिस ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया जाता है क्योंकि हमें क्वांटाइज्ड करना है तभी हमें वो चीजें समझ में आएंगी बेटा खैर कोई बात नहीं तो एक इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स निकल तो इतने इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स निकलेगा तो आपने कहा सर सिंपल मल्टीप्लाई अरे वाह तो अगर मैं कहूं नाउ टोटल फोर्स टोटल फोर्स कितना हो जाएगा तो आप कहोगे सर टोटल फोर्स हो जाएगा एफ इज इक्वल टू टोटल फोर्स एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ठीक है लिख हैं ये हो जाएगा एफ इन n एन सिंपल क्या दिक्कत थी कोई दिक्कत नहीं है सर आ जाइए फटाफट F की वैल्यू कितनी आ गई आपने कहा सर दिस माइनस E वी डी क्रॉस बी एन टू एन मतलब स्मॉल एन आप समझो मेरे बच्चे अब यही पे आपको दिमाग लगाना है इस्तेमाल करना है आपको पता है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन फोर्स एक इलेक्ट्रॉन पर जो लग रहा है दिस तो अगर मैं इस ये बात तो आपको एकदम क्लियर हो गई इसमें तो कोई डाउट तो नहीं है अब सुन बेटा इस साइड में थोड़ा सा में एक सिखा दे आपको आप सभी को पता होना चाहिए वट इज द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी का मॉड आप सिंपली कहते हो सर ए बी साइन थीटा यस और नो अगर वी डी क्रॉस बी हो और इसे मुझे कन्वर्ट करना हो तो नाउ सेम हियर फोर्स इन टर्म्स ऑफ जैसे मैग्निट्यूड के फॉर्म में करेंगे ये ई हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा वी डी बी साइन थीटा एन इन ए एल बिटे, देखना कितना सिंपल देखो एन ई वी डी मतलब तीन चीज एक साथ है और आपको मैंने एक छोटी सी बात सिखा रखी थी अगर याद हो तो आई इज इक्वल टू होता है एन ई -E D याद है ये करंट का डायरेक्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन सिंपल मेरा बच्चा एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जब इसकी इसकी और इन दोनों की जगह अपन आई लिख देंगे तो हमारा रिलेशन हो जाएगा आई बी एल थीटा दिस इज योर फाइनल रिलेशन सी बेटा लो डिब्बा में बंद कर दिया कितना आसान एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा और एक मजेदार बात सिखाऊं बेटे ये सब चीजें जानते रहना थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट अच्छा कौन पूछ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में ओके ओके मैं बता रहा हूँ दो मिनट रुकना देखो ए क्रॉस बी अगर मैं इसका मॉड हटा दूं तो इससे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप वट इज दिस दिस इज यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर ये क्लास इलेवेंथ में आप लोग पढ़े होंगे बेटा यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर वेक्टर ठीक okay? है तो हम लोग इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली और आपको पता है कि वैसे भी हमारा करे, करेंट एलिमेंट का जो एल की टेंडेंसी है वो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट है अच्छा दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें कुछ केसेस सीखते हैं ये समझ में आ गया नोट कर लो फटाफट नोट करो तो मैं बताता हूं डू फास्ट एस ले लो ओके चलते हैं देखिएगा केस वन सी बेटा कंडीशन देते हैं कंडीशन ये मेरा बेटा कंडीशन ये देता हूं मैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये था सी बेटे अब अगर मैं जानता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और मैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को इसी डायरेक्शन में रख दूं मतलब इसके अंदर करंट का फ्लो किधर की ओर हो रहा हो लाइक दिस अपवर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस एल बी कंसिडर उसी के क्रॉस हो अब आप सोचो यार कि अगर सेम यानी जिस डायरेक्शन में मैंने लेंथ को कंसीडर किया अगर मैं आपसे कह एल पैरेलल टू बी करंट एलिमेंट इसकी लेंथ का जो डायरेक्शन अपन कंसीडर करें एल बी के क्रॉस हो उस केस में थीटा मेरा बच्चा क्या हो जाएगा जीरो और अगर थीटा जीरो हो जाएगा तो क्या इस बॉडी पर कोई इस कंडक्टर पर इस रॉड पर इस वायर पर क्या कोई फोर्स एग्जर्ट करेगा तो आप कहोगे सर देखते हैं क्या देखते हैं एल बी आई और साइन जीरो तो फोर्स क्या हो गया मिनिमम जीरो हुआ कि नहीं हुआ हाँ सिंपल अच्छा ये हो

रॉड को स्टेबल इक्लिविड में लाने के लिए करेंट कैरिंग कंडक्टर को किधर प्लेस करना चाहता था अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर अलोंग मतलब ये ना घुमा के बीच अलोंग लाना चाह रहा था तभी स्टेबल हो पाता तभी उस पर नेग्लेजिबल फोर्स लगता जिससे अभी समझना मैंने आपसे सिर्फ इस वजह से यह कहा था कि अगर अगर समझना मेरा बच्चा साइड में सिखा रहा हूं कि इन वेक्टर फॉर्म अगर मैं कहूं तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई एफ की वैल्यू कितनी हो गई तो आई एल क्रॉस बी तेस एल का मोमेंट बी के टर्म्स में ये जो लेंथ थी अगर जस्ट uh, बिफोर ये जो लेंथ थी एल बी की ओर टर्न अप हो रही थी अब देखो इसी में राइट हैंड रूल भी अपनाते हैं देखो बी फोर्स का डायरेक्शन अभी भी ऐसे था और एल का रोटेशन बी की ओर हो रहा था तो ये जो प्लेन बन रहा था मेरा बेटा समझना ये जो पूरा होल टू प्लेन बन रहा था ये, ये प्लेन एल और B बी के बीच का जो प्लेन हो रहा था इस प्लेन का डायरेक्शन किधर आता आउटवर्ड नॉर्मल और वो जब होता है मेरे बच्चे तो मजेदार बात सीखो इसीलिए मैंने एल क्रॉस B लिखा था क्योंकि इस पूरे का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा फोर्स के ये मैकेनिज्म है इसका और अगर मैंने कहा कि इफ एल डायरेक्टेड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो आप कहोगे उस केस पे सर देर आर नो फोर्स एग्जन करेंट कैरिंग कंडक्टर रॉड वायर वैसे ये चीज सीखते हैं अपन सेकेंड केस की बात करते हैं चल भाई रामलाल बड़े बड़े सीखते हैं बहुत सिंपल बहुत ही सिंपल क्या बात है देख बेटा जैसे जैसे ये, ये चीज सीख लेते हैं इसी में केस नंबर टू होगी सर इतना आसान है हां बहुत आसान है एफ एल ये, ये कुछ ऐसा होता ये कुछ ऐसा होता ये रॉड जो होता ना अगर ऐसे रखा होता तो रुको थोड़ा सा देखो मान के चलो मैंने आपसे कहा ये रॉड ठीक इसके अंदर करंट इससे जा रहा है ठीक है जाने दे भाई लेकिन फील्ड ये इधर को एक्सपीरियंस कर रहा था एल इधर को, को था और ऐसे केस में ये पूरा कितना रोटेट होके कि इधर जाता थीटा नब्बे नाइनटी और अगर नाइनटी हुआ तो आप कहोगे सर हाउ मच फोर्स सिक्स मैक्सिमम सर मैक्सिमम क्यों एफ इज इक्वल कितना हो जाएगा सर नाइनटी आई बी एल सर बहुत इजी है दिस इज मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स सुनो ये तो चलो ठीक है फिर भी नोट कर सकते हो अभी अभी नोट कर लो ये तो फिर भी ठीक है सर बहुत आसान है समझना नोट कर लो फटाफट किसी ने कुछ पूछा वेट 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 हाँ जी एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बता रहे बता रहे हैं ठीक है ठीक है जल्दी से आप लोग अपना कमेंट करते रहिए गुड मॉर्निंग तुम लोग गुड मॉर्निंग ही कर लो अभी सब जल्दी आओ ओके हो गया नोट हुआ कि नहीं पहले अच्छा ये नोट हो जाए तो मुझे बताओ हम्म ठीक है सर फोर्स कहां लग रहा है फोर्स बेटी इस वायर की बात अगर हम लोग करें तो जब ये एल है और ये बी है तो इस पर फोर्स आउटवर्ड नॉर्मल होगा और उस पर तो लगेगा ही नहीं खैर और और जल्दी बताओ ओके फाइन 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 गुड वेरी गुड चलो आ जाओ हां चलो ठीक है ठीक मैं हो गया चलो अब एक काम की बात करते हैं सिंपल सा छोटा सा एलिस्ट्रेशन देख बेटा छोटा सा क्या अगर मैं आपसे कहूं लेट्स सी मान के चलो मैंने कहा कि एक कंडक्टर है थोड़ा सा फोर्स निकालना आपको सिखाते ना सी एलिस्ट्रेशन छोटा सा सिखाते हैं पहले एक, एक देख लो पहले ये चीज हो गया आ जाओ थोड़ा सा मान के चलो ये कंडक्टर है वेट बेटा ये कंडक्टिंग डॉट ठीक ये किसी एक्स वाई प्लेन में कुछ इस कदर रखा है आपको हां लिख लेना कंडक्टिंग रॉड इफ रॉड प्लीज चलो मैं डायरेक्शन देता हूं लाइक दिस एक्स एक्सिस पर रखा है मैग्नेटिक फील्ड इधर को है ठीक है मैग्नेटिक फील्ड इधर को है चल भाई दिखा दिया इधर को है। और उस बी की वैल्यू है कितनी बी एक तट इसे मैं ना दू इसे आप करो 0.3 टेस्ला ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैंने दे रखा है आपको इस एल की जो लेंथ है मेरा बच्चा मान के चलो टेन सेंटीमीटर है और मैं आपसे सिंपली कहूं सिंपली कि वन एमपियर करेंट वन एमपियर करेंट फ्लोज इन द रॉड करेंट मच फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर तो आप क्या कहोगे सर क्या कहोगे सर सिंपल अब यहां दो बातें आती बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वाई एल लेंथ डायरेक्टेड आपको बेहतर पता है ये तो अगर मैं इसे डायरेक्शन के टर्म से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो इतना टेस्ला जे क्या हाँ भैया हाँ। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा लिख ले रहा हूं फाइंड फोर्स फाइंड फाइंड फोर्स फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन फाइंड फोर्स इट्स डायरेक्शन डायरेक्शन अब आप सोचो कि कैसे हम डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे अब ध्यान से देखना ये क्वेश्चन है आपका सिंपली हम ही देखो आपको क्वेश्चन क्यों फॉर्म करा रहे हैं क्यों रिलेट करा रहे हैं उसका एक लॉजिक है क्योंकि जब आप क्वेश्चन को समझते हो कि एक रॉड है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखा है कोई मैग सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में बट हमें डायरेक्शन भी निकालना है तो मुझे डायरेक्शन कैसे पता करना होगा और वन एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है तो हमें ये बेहतर है कि हम आपको सिखा रहे कि एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी होगा एकदम जहन में डाल लो ठीक है सर डाल लिया कोई बात नहीं आपने कह दिया हो गया मान लिया मैंने भाई तो अब क्या हो जाएगा फोर्स कितना निकालेंगे हाँ बिल्कुल निकालेंगे देखो कैसे ये इतना जो 10 सेंटीमीटर की लेंथ है उसकी दैट मींस 0.1 मीटर अगर ये आई एक्सिस के लॉन्ग एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो क्या अपन इसे इतना लिख सकते हैं सर जीरो पॉइंट वन आई कैप यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं लेकिन लेकिन वन एपेयर का करंट कोई बात नहीं है L की वैल्यू कितनी आ गई पॉइंट वन आई क्रॉस प्रोडक्ट बी वट इज बी जीरो पॉइंट थ्री जे अब आपको सर मज़ेदार बात सिखाऊं क्या मजेदार बात सिखाऊं क्या सीखना है आओ सीखो देखो ध्यान से क्या मिल रहा है जीरो पॉइंट जीरो थ्री आई क्रॉस जी अब एक रूल याद होगा आपको ये कभी क्लास इलेवेंथ में आपके गुरुजी ने आपको पढ़ाया होगा गुरुजी मैंने कौन मैं पढ़ो क्या बेटा आई जे के पढ़ा था क्या इसमें एक फैक्टर होता है कुछ नए बच्चे होंगे हो सकता है इलेवेंथ अच्छे से नहीं पढ़े होंगे समझे मेरी बात को क्या कि अगर मैं आई का मल्टीप्लाई जे में करूंगा वो भी क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है डियर ध्यान से सुनते रहना आई क्रॉस जे करूंगा तो ये इसकी वैल्यू के इक्वल होगी जे क्रॉस के करूंगा जे क्रॉस के करूंगा बिल्कुल मुझे पता था कि आपको डाउट होगा इसीलिए मैं पहले से बता दे रहा हूं आई की इक्वल होगा के क्रॉस आई करूंगा तो जे की इक्वल होगा यस और नो हाँ सर बिल्कुल सही अच्छी बात है समझ में आ गया कोई बात नहीं देखो आई क्रॉस जैसे आई क्रॉस के, के आई और के क्रॉस आई j ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रूल को फॉलो करते हैं दिस इज ए सी डब्ल्यू लेकिन अगर अगर हमारा मन कुछ ऐसा कर जाए कि मल्टीप्लायर में हमें ये डायरेक्शन फॉलो करना पड़ जाए तो अभी तो हम ऐसे चल रहे थे कोई बात नहीं थी और अगर इनकेस क्लॉक वाइज चलना पड़ जाए तो बड़ा सिंपल डियर मतलब अगर कोई मुझसे कह दे जे क्रॉस आई होगा मल्टीप्लाई हाँ बिल्कुल होगा लेकिन डायरेक्शन अब उसका चेंज हो जाएगा ऐसे सोचना मेरा बच्चा अभी जब अपन एंटी क्लॉक वाइज चले तो इसका डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल लेकिन जैसे क्लॉक वाइज चलेंगे तो अथम हमारा इनवर्ड हो गया इनवर्ड नॉर्मल जे ये हो जाएगा माइनस के सी बेटा यार आप लोगों की बचपन की गलती और आप लोग हमें बताते हो अब हम बताएं चलिए कोई बात नहीं हम आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं करेंगे भी लेकिन आपको भी मेरे साथ एफर्ट करना होगा बेटे के क्रॉस जे किया से कर से माइनस आई लेकिन आई क्रॉस के कर तो तो क्या होगा अरे सर सिंपल माइनस ये मैं ऐसा क्यों बताया था मैं ऐसा इसलिए बताया था ये क्या लिखा है आई क्रॉस जे कहीं दिख रहा है इस मोहब्बत से दिख रहा है कहीं आई क्रॉस जे हाँ दिख रहा है कहाँ दिख रहा है सर यहां दिख रहा है कितनी वैल्यू दिख रही है क्रॉस जे की तो आप कहोगे सर के यानी ये जो फोर्स आया मेरा बेटा ये जो फोर्स आया लल्ला देखो पॉइंट जीरो थ्री कितना आ जाएगा के क्या इससे एक चीज कंफर्म हो गया डियर एक चीज कंफर्म हो गया कि फोर्स डायरेक्टेड अलोंग के मतलब के मतलब जेड एक्सिस मतलब z एक्सिस मतलब इस इस करंट कैरिंग कंडक्टिंग रॉड पर जो फोर्स लग रहा होगा वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा अलोंग z एक्सिस और मैग्नीट्यूड की बात करूं सर तो सिंपल सिंगल एक्सिस है मॉड कितना होगा सर जब उसी की बात हो रही है तो एफ जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी पॉइंट जीरो थ्री न्यूटन पॉइंट जीरो थ्री न्यूटन कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ नहीं हुआ जल्दी कर लो कोई दिक्कत वाली बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं ले बेटा छाप ले छाप ले जिंदगी का असली मजा छापने में ही है छापो छापो हो जाए ओके छाप लियो बाबा आ जाओ नेक्स्ट हम पे चलते हैं इसका एप्लीकेशन है और दो जबरदस्त एप्लीकेशन सर ध्यान से समझिए कैसे वन बाई वन और ये दोनों एप्लीकेशन मैं आपको अभी सिखाने जा रहा हूं ध्यान से सुनते रहिएगा समझते रहिएगा मेरी बातों को गौर से सुनिएगा पहला एप्लीकेशन एप्लीकेशन नंबर वन डियर अपील देखिएगा इस फोर्स का हमारी लाइफ में क्या तगड़ा इस्तेमाल होता है पांच मिनट बस निगाहें बोर्ड पर रखी रहिए मजा दिलाता हूं आपको सभी को सपोज करो एक स्टेट वायर फर्स्ट इसके अंदर करंट को जा रहा था वन दूसरा वायर जस्ट बगल में रखा इसके अंदर करंट जा रहा है आई टू बात समझिए सर बेटे बहुत अच्छे से छोटी छोटी बातें हैं समझना आपको भी जरूरी है बेहद पहली बात तो आपको मैं बता दूं दो, दो तीन टॉपिक दो तीन चीजें बहुत यहां इंपॉर्टेंट है वो जानना हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने आपको बता दिया मैं फोर्स आपको सिखा रहा हूं और अब इसका आप एप्लीकेशन सीखने जा रहे हो अच्छा अब किसका मैसेज है भाई एक मिनट रुको इन लोगों का जवाब दे दो भाई पहले हाँ फोर्स सर किस Uh, किस डायरेक्शन में लग रहा है अच्छा एक और दूसरा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक तो इतने मैसेजेस ऐसे लोग कर देते हैं कि हमें समझ में नहीं आता भाई आप लोग चैनल पर मैसेज करिए अच्छा अच्छा ठीक है सर इस फोर्स को फिर से एक्सप्लेन करिए हाँ बेटा मैं एप्लीकेशन के रूप में इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ दो मिनट बस मौका दो हमें आप ओके ओके एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेटे बताते हैं हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं सर ये इसका एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ करेंगे अरे भाई बताने तो दो हमें हम कहाँ एप्लीकेशन कराएंगे अभी अभी पहले बता दें क्या अच्छा ठीक है ठीक है सर साइक्लोट्रोन आएगा कि नहीं आएगा भाई अभी साइक्लोट्रोन पर अभी हम नहीं आए हैं तो अभी आप साइक्लोट्रोन अभी ना डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर है अच्छा ठीक है चलिए ठीक बेटे इनकी बातों को सुन लिया मैंने हम दो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं पहले देखिए बेसिक चीज क्या है आपको पता होना चाहिए कि जब कि कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में राइट हैंड थंब रूल मैंने आपको शुरू में ही सिखा दिया था और फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है व्हेन करंट फ्लोस इन अपवर्ड डायरेक्शन इन कंडक्टर आप अपने राइट हैंड को ऐसे प्लेस करो एकदम ऐसे रख दो ठीक है तो ये जो थंब का डायरेक्शन होना चाहिए वो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ along the direction of किधर होना चाहिए किधर करंट करे कंडक्टर तो आपके फोर फिंगर का जो रोटेशन होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा तो आप कहोगे सर ये रिप्रेजेंट करेगा along the direction of मैग्नेटिक फील्ड ओके फाइन तो चल बेटा थोड़ा सा समझते हैं देख बेटे अभी तो अपन इसको डिस्कस करते हैं लेकिन पहले तुझे छोटी बातें समझा दें कुछ बेसिक चीजें बता देते हैं बेटे जिससे आपका दिमाग हमेशा काम करता रहे पहला केस फोर्स तो मैं सिखा दूंगा निकालना। पहले मतलब की बात समझो कुछ चीजें बेहद जरूरी हैं। होता क्या है मेरा बेटा कि हमें यह पता हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी अगर करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइनों का डायरेक्शन कैसा होगा ए सी डब्ल्यू लेकिन मेरे बच्चे मैंने आपसे कह दिया कि अगर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाए तो कैसा होगा इन लाइनों का डायरेक्शन कैसा होगा डियर तो आप कहोगे इन मैग्नेटिक फील्ड लाइनों का डायरेक्शन अब होगा क्लॉकवाइज और एक सबसे मजेदार बात अगर मैं आपको बताऊं तो सुनिएगा ध्यान से पॉइंट नोट केस समझिएगा वन ध्यान से यही देखिएगावर्ड की आई हो आई मतलब करंट अगर अपवर्ड की आई हो तो एसी डब्ल्यू होगा एम एफ मतलब या एसीडब्ल्यू होगा बी अगर अपवर्ड की आई हो तो एसीडब्ल्यू एंटीग्लोकॉइज डायरेक्शन में कौन होगा मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी सबसे बड़ी बात ध्यान से देखेगा इसमें करंट का डायरेक्शन अपवर्ड था हम अगर फोर फिंगर का रोटेशन इधर करें तो हमारी हथेली का पोर्शन किस साइड आ रहा है आपकी साइड आ रहा है हथेली का पोर्शन ये ये हथेली का पोर्शन किस साइड आ रहा है आपकी साइड आ रहा है तो ये जो होगा दिस इज इनवर्ड मैग्नेटिक विच इज रिप्रेजेंटेड बाई क्रॉस दिस इज इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड तो जो हथेली के आउटसाइड का पोर्शन होगा दिस इज आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ये जो पूछे है ना बेटे अभी जो मैं अभी केसेस करवा देता वो तो आपको ये डायरेक्शन अगर क्लियर ना होता तो केस समझ में बिल्कुल नहीं आता और अच्छा हुआ जिस बच्चे ने पूछ लिया ठीक है बेटा और ध्यान से देखना सेम यही चीज सेकंड पॉइंट दिस इज मतलब लेफ्ट साइड में ये समझना एल साइड में लेफ्ट साइड में आउटवर्ड फील्ड और राइट right साइड में राइट right साइड में इनवर्ड फील्ड वेन करेंट फ्लोज इन अपवर्ड डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट वायर हालांकि ये चीज मैं आपको याद होगा मैंने आपको डे वन की क्लास में ही बता दिया था बेटे पिछला लेक्चर एक बार फिर से देखना पिछले वर्ल्ड में भी मैंने कई बार एक्सप्लेन किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक्ड करेंट बता दिया था सब बेसिक चीजें बताया था बेटे लेकिन फिर से आप लोगों के लिए जबरदस्ती मैं बता रहा हूँ कोई बात नहीं है चलो देखो और दूसरा कि अगर यही डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया तो जस्ट मेरे बच्चे रिवर्स मार दो ना डाउन आई है डाउन आई है बेटे तो क्लॉकवाइज होगा क्या मैग्नेटिक फील्ड यानी बेटे क्लॉकवाइज हो गया ठीक है और ये कैसा हो जाएगा अब ये हो जाएगा इन और ये कैसा हो जाएगा आउट ठीक भैया समझ में आ गए बेटे ओके थैंक यू थैंक यू सो मच चलिए ठीक है अब इसी के केस को हम आगे प्रोसीड करते हैं ध्यान से देखिएगा हम जो बता रहे थे आपको केस नंबर वन आइए अब अपने केस पर आइए जो इंपॉर्टेंट है बेटे केस फर्स्ट केस फर्स्ट ये है कि इफ We have टू current कैरिंग कंडक्टर ऑल्सो हैविंग डिफरेंट करेंट ध्यान से देखना वी हैव टू current कैरिंग कंडक्टर I1 एंड आई टू सॉरी फर्स्ट एंड सेकेंड अपन मान चलिए पहला और दूसरा, दोनों रखे थे किसी दी डिस्टेंस पर रख ले दो करंट का डायरेक्शन कितना हो गया अपवर्ड ठीक है करंट का डायरेक्शन कितना हो गया कैसा हो गया अपवर्ड तो हम करेंगे कैसे बेटे ध्यान से सीखना इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसको इफेक्ट करेगी और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसको इफेक्ट करेगी अब बातें समझिएगा ध्यान से कैसे समझते हैं वन वन? जब इसके मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं डायग्राम समझना है देखेगा ये दोनों की फील्ड दिखा रहा दोनों को आपको पता है बोथ इन एंटी लेकिन जब ये इस पर आती हैं, इस पर तो इनका डायरेक्शन ये होता है और यही जब उस पर जाती है सेकेंड वाले पर तो इनका डायरेक्शन ये होता है सी मेरा बेटा मजेदार बात अगर मैं सेकेंड का फील्ड इस पर पाऊं तो बी टू इधर और फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड इस पर पाऊं तो बी वन इधर अब सीखना लगाओ लेफ्ट हैंड रूल और देखो फोर्स का डायरेक्शन किधर हो रहा है पहले वायर को चेक करो इस पर आप देख रहे हो इस पर फील्ड बाहर की ओर आ रहा है देखो जैसे ही इस वायर को ये टच करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस वायर को टच करेंगी तो टच करते वक्त इनका फीड का इधर है आउटवर्ड जबकि इस इस वायर में करंट किधर जा रहा है ऊपर देखो अब ऐसे सोचो मैग्नेटिक फील्ड ये इधर को पा रही है करंट ऊपर जा रहा है तो ये फोर्स किधर लगाएगा अंदर की ओर थम देखते रहो थम किधर जा रहा है अंदर की ओर यानी आपने कहा सर बड़ा सिंपल ही हो गया आप तो बड़ा सिंपल हो गया इस पर फोर्स लग गया एक मिनट एक मिनट एक मिनट सा अलग रिप्रेजेंटेशन देते जिससे आपको क्लियर है layer. इस पर फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया दिस इज फोर्स ऑन वन बाई टू क्योंकि की कर रहा था। और बच्चे यही चीज इस पर लाऊं, तो इस पर फोर्स अंदर हो गया और करंट अभी भी ऊपर है तो अब देखो फोर्स सॉरी फील्ड अंदर हो गई करंट का डायरेक्शन ऊपर अब फोर्स का डायरेक्शन देखो कैसा इनवर्ड लाइक दिस और ये हो जाएगा फोर्स ऑन टू बाई वन ठीक है फोर्स ऑन टू बाई वन बेटे बात की बात सीखो स्ट्रेट वायर है इनफाइनाइट वायर है क्या होगा अब मजेदार बात सीखो सर अब आपके गांव की चीज आ गई सर देख बेटा अगर मैं कहूं मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर स्ट्रेट वायर क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड तो आप कहोगे सर बड़ा सिंपल इनफाइनाइट है ये याद रखना टू आई बाई आर डी वट एवर जो भी मान लो लेकिन पहले में अब फील्ड किसकी चेक करनी ये मैटर है अगर बी लिख दिया तो जनरली बी ऐसे होगा बाकी हम अपन इस्तेमाल कर लेंगे परेशान ना होना ठीक है अब अगर मैं फोर्स निकालू नाउ फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड बेटे वी वॉन फाइंड एफ वन टू वॉट इज फोर्स आई बी एल सी बेटे ना लेसन लेसन प्रॉपरली मेरी बात जो ध्यान से सुनना मेरे बच्चे फोर्स से निकालना किस पर था वन पर लेकिन फील्ड किसका एक्सपीरियंस करना था बी टू फील्ड किसका एक्सपीरियंस करना था बी टू सिंपल देखना ध्यान से मेरा बच्चा फोर्स ऑन टू आई वन अपनी जगह पे व्हाट इज बी टू म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई टू यस बाई डी एल हाँ सिंपल ध्यान से देखना मेरे बच्चे ये एफ वन टू हो गया तो इसका मतलब फाइनली एफ वन टू लिखो तो कितना हो जाएगा मू नॉट बाई फोर बाई टू आई वन आई टू बाई डी इन टू एल हो गया और अगर यही मैं एफ टू वन निकालू तो, तो आपको सर कितना आसान सिमिलरली क्या हो जाएगा सिमिलरली में फोर्स ऑन टू बाई वन तो कुछ नहीं होगा एफ टू वन करोगे तो आई टू हो जाएगा बी वन हो, हो जाएगा तो टू आई वन हो जाएगा बाकी डी टू तो नहीं है सिंपल हाँ, तो, हाँ, तो आप देख रहे हो कि चाहे फोर्स ऑन वन बाई टू चाहे फोर्स ऑन टू बाई वन आ तो सेम ही रहे है. हाँ बिल्कुल सेम आएगा तो इससे हम निकालते हैं और अच्छा चलो हो तो गया मतलब इससे पता चला कि केस क्या बन रहा केस बना कि वेन टू स्ट्रेट वायर स्ट्रेट वायर हैविंग सेम सेम डायरेक्शन करेंट हैविंग सेम डायरेक्शनल करेंट then both are attract to each other attract to each ये कॉन्सेप्ट बना और मेरा बच्चा ये बन गया तो यहीं पे एक वर्ड निकाला जाता है आ, मैं साइड में दिखाता हूं इसके बाहर थोड़ा सा क्या बेटे देखना ध्यान से अभी मैंने आपको फोर्स क्या बताया म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई वन आई वे... अच्छा ठीक है तो हमें कॉमन फोर्स मान लिया कि एफ की वैल्यू एफ वन टू या एफ टू वन दोनों आ गया म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई वन आई टू बाई डी इन टू एल लेकिन बिछे सबसे बड़ी बात कि दोनों वायर सेम लेंथ के थे तो जितना फोर्स ही इस पर डालेगा उतनी फोर्स ही इस पर डालेगा तो हम एक वर्ड और निकालते हैं यहां पे बच्चा फोर्स पर यूनिट लेंथ फोर्स पर यूनिट मतलब अगर दोनों वायर बड़े छोटे ना हुए इन केस दोनों इक्वल हुए तो हम लोग कैसे निकालेंगे बट्टी एफ तो ये हो जाएगा एफ बाई एल और आपको पता है डियर सिंपल ये इधर चलाएगा तो बचेगा क्या सर म्यू नॉट बाई फोर आई 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 मजेदार चीज है बहुत अब इसी का एक केस टू है लेकिन उसे हम सिखाएंगे आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आई बात उसको हम सिखाएंगे बच्चे आपके आपको नेक्स्ट लेक्चर में और आप कोशिश करिएगा कि आप चीजों को अच्छे से समझिएगा उसमें क्या होगा अभी तो देखा कि जब दोनों में सेम डायरेक्शन के करंट थे तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे और अब एक चीज तो कंफर्म हो ही गए होंगे कि अगर दोनों में करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ बेटे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे क्या करेंगे रिपेल करेंगे तो रिपल्शन में फो फोर्स क्या होगा ये सीखेंगे हम लोग अपने कमिंग लेक्चर में और फिर इस पर जबरदस्त न्यूमेरिकल सीखेंगे लेकिन जैसा कि आपको मैं फिर से बताना नहीं भूलूंगा जैसे इन बच्चों ने क्वेरीज पूछी और अपने डाउट को क्लियर किया आप भी पूछिए आप भी दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो और बेझिझक अपनी क्वेरीज़ को बिंदास पूछिए क्योंकि फिजिक्स में जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे मेरे बच्चे तब तक कोई मतलब नहीं है और आप खूब क्वेश्चंस लगाइए हो सके तो क्वेश्चन के ही स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सअप नंबर पे भी आप हमारे भेज सकते हो ठीक है तो थैंक यू थैंक यू सो मच आज के लिए ही